हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रसारोहण के भौतिक बलों पर आधारित थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल थ्योरीज को अपन इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वह सभी थ्योरीज जिनके अनुसार जाइलम की मृत कोशिकाएं रसारोहण की क्रिया में भाग लेती हैं, उन्हें फिजिकल थ्योरीज कहते हैं। फिजिकल थ्योरीज भौतिक बलों जैसे इम्बाइबिशन, कैपिलरी फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आदि पर आधारित होती हैं। मुख्य फिजिकल थ्योरीज निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट कैपिलरी थ्योरी, नंबर सेकंड इम्बाइबिशन थ्योरी, नंबर थर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी और नंबर फोर है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोएजन ऑफ वाटर थ्योरी। तो फोर्थ नंबर की जो थ्योरी है वो सर्वमान्य है। तो नंबर फर्स्ट है कैपिलरी थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जाइलम की जो वेसल्स होती हैं वो कैपिलरी ट्यूब के रूप में कार्य करती हैं, जिनमें कैपिलरी फोर्स के उत्पन्न होने के कारण रसारोहण की क्रिया होती है। लेकिन कैपिलरी फोर्स का मान जो होता है लगभग जिसके जो मान होता है उससे लगभग 1 मीटर तक ही जल ऊपर चढ़ सकता है। अतः इस प्रक्रिया के द्वारा जो है टॉल प्लांट्स में रसारोहण की क्रिया संभव नहीं है। दूसरा, वेसल्स जो है ट्रेकीट्स की तुलना में चौड़ी होती हैं, जबकि रसारोहण की क्रिया वेसल्स के द्वारा ही अधिक होती है, क्योंकि कैपिलरी फोर्स के लिए ट्यूब जितनी सक्रिय होगी उतना ही उसमें अधिक कैपिलरी फोर्स डेवलप होगा। इसके अलावा जो ट्रेकीट्स होती हैं उनके सिरे बंद होती हैं, अतः वो जो है कैपिलरी ट्यूब के रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं। और जो वेसल्स हैं वो सीधे ही सॉइल वाटर के संपर्क में नहीं होती हैं, अतः उनमें कैपिलरी फोर्स डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जो है फ्री सरफेस का होना जो है आवश्यक होता है कैपिलरी फोर्स के डेवलप होने के लिए। इसके अलावा ऑटम बुड में और स्प्रिंग बुड में अंतर होता है कि ऑटम बुड में बनने वाली वेसल्स जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं, जबकि रसारोहण जो है स्प्रिंग बुड में अधिक होता है के द्वारा अधिक होता है और ऑटम बुड के द्वारा कम होता है। तो इस स्थिति में अपन कहेंगे कि इस जो फोर्स के कारण रसारोहण की क्रिया नहीं होती है। नंबर सेकंड है इम्बाइबिशन थ्योरी। इस थ्योरी का प्रतिपादन अंगर ने किया 1868 में। इस थ्योरी के अनुसार रसारोहण की क्रिया जाइलम की कोशिका भित्ति में उत्पन्न इम्बाइबिशन फोर्स के कारण अंतः शोषण बल के कारण जो है रसारोहण की क्रिया होती है। अंतः शोषण बल का जो मान होता है 100 to 1000 एटमॉस्फियर होता है, जो टॉल प्लांट्स में भी रसारोहण के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन ये सिद्ध किया जा चुका है कि रसारोहण की क्रिया जो होती है वो जाइलम की गुहिकाओं के द्वारा होती है, ल्यूमेन के द्वारा होती है, न कि कोशिका भित्ति के द्वारा होती है। उसके बाद नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार रसारोहण की क्रिया जो है वायुमंडलीय दाब के कारण होती है। इस थ्योरी के अनुसार जब जलवायवीय भागों से वाष्प के रूप में वायु वातावरण में चला जाता है तो जाइलम तंतुओं में वायुमंडलीय दाब का मान कम हो जाता है, जिससे जल उस जाइलम तंतुओं में प्रवेश कर जाता है। लेकिन वायुमंडलीय दाब फ्री सरफेस पर ही काम करता है, जब क्योंकि रूट्स जो होती हैं मृदा के अंदर पाई जाती हैं, वायुमंडलीय दाब नहीं पाया जाता है। अतः जो है इस थ्योरी को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोएजन ऑफ वाटर थ्योरी। इस थ्योरी का प्रतिपादन डिक्सन एंड जोली ने किया 1884 में। यह थ्योरी निम्न बिंदुओं पर आधारित है। नंबर फर्स्ट कंटिन्यूस वाटर कॉलम, नंबर सेकंड कोएजन और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर,
और नंबर थर्ड है ट्रांसपिरेशन पुल। तो नंबर फर्स्ट है कंटिन्यूस वाटर कॉलम, क्योंकि जाइलम तंतु जो है पौधे के वायवीय भागों से जड़ों तक विस्तृत रहते हैं और इन जाइलम तंतुओं में जल एक स्तंभ के रूप में पाया जाता है, कंटिन्यूस वाटर कॉलम के रूप में पाया जाता है। इस कंटिन्यूस वाटर कॉलम के ऊपर जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ या जल के अणुओं का कोहेशन बल पाया जाता है। जल के अणु जो होते हैं आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ने के कारण इनमें आपस में आकर्षण पाया जाता है और इसी आकर्षण के कारण जो है जल के अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जिससे ये कंटिन्यूस वाटर कॉलम जो होता है वो टूटता नहीं है और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। तो इसको हम इस डायग्राम के द्वारा अपन समझ सकते हैं। जाइलम के तंतु जो होते हैं लीफ से लेकर के रूट्स तक विस्तृत रहते हैं, अतः जल इनमें भरा रहता है जो कि एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम के रूप में पाया जाता है। अब इन जाइलम तंतुओं में जो है जो जल होता है उस जल के कण आपस में जुड़े हुए रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, तो अतः ये जो कंटिन्यूस वाटर कॉलम है ये टूट नहीं पाता है। इसके अलावा जल के अणुओं में जो है एडेशन की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, दूसरी सरफेस पर चिपकने की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, अतः जाइलम की कोशिका भित्ति से भी ये जल के अणु चिपके हुए पाए जाते हैं। तो इसका भी योगदान जो है ये कंटिन्यूस वाटर कॉलम में रहता है। तो नंबर फर्स्ट जाइलम तंतु में कंटिन्यूस वाटर कॉलम पाया जाता है। ये कंटिन्यूस वाटर कॉलम जो होता है यह जाइलम के वाटर कॉलम जो होता है जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने के कारण टूटता नहीं है। तीसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे के वायवीय भागों में मुख्यतः पत्तियों के द्वारा ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में पत्तियों से जल वाष्प के रूप में वायु वातावरण में चला जाता है। जल के वायु वातावरण वाष्प के रूप में वायु वातावरण में जाने से मेसोफिल सेल्स में जो है जल के अणुओं की कमी हो जाती है। जल के अणुओं की कमी से इन कोशिकाओं का सेल शेप जो है कंसंट्रेट हो जाता है। कंसंट्रेट होने के कारण इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर तथा डीपीडी का मान बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप जल के अणु निकटतम जाइलम तंतुओं से जो है इन मेसोफिल सेल्स में विसरित हो जाता है। तो जल जो होगा वह जाइलम एलिमेंट से मेसोफिल सेल्स में प्रवेश कर जाएगा। जल के मेसोफिल सेल्स में प्रवेश के कारण जाइलम तंतुओं में भी जल की कमी आ जाएगी, जिससे इन पत्ती के जो पत्ती लीफ के अंदर जो जाइलम एलिमेंट्स हैं उनमें भी जो है जल की कमी आ जाएगी और इसी जल की कमी को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं या एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। इसी टेंशन को हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, क्योंकि जाइलम तंतु लीफ से लेकर के रूट तक विस्तृत रहते हैं, अतः पत्तियों में उत्पन्न जो है वाष्प उत्सर्जनीय तनाव जो है रूट्स तक स्थानांतरित हो जाता है और इसी तनाव के कारण जल ऊपर की ओर गति करता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि डिक्सन एंड जोली द्वारा प्रतिपादित जो थ्योरी है उसके अनुसार जो रसारोहण की प्रक्रिया है उसमें तीन बिंदु जो है कार्य करते हैं। एक तो जाइलम तंतुओं में जल जो होता है कंटिन्यूस वाटर कॉलम के रूप में पाया जाता है, दूसरा जल के अणुओं में कोहेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे ये वाटर कॉलम टूट नहीं पाता है, और तीसरा वाष्पोत्सर्जनीय तनाव इन जाइलम तंतुओं में उत्पन्न हो जाता है जिससे जल ऊपर की ओर गति करता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन द्वारा जल वायु वातावरण में जाएगा जिससे मेसोफिल सेल्स में डीपीडी का मान बढ़ जाएगा और जिनमें जल जाइलम तंतुओं से विसरित हो जाएगा, फिर जाइलम तंतुओं में डीपीडी का मान बढ़ जाएगा जिससे जाइलम तंतुओं में तनाव उत्पन्न हो जाएगा, उसी तनाव के कारण जल ऊपर की ओर गति करता है। यह जो सिद्धांत है यह सर्वमान्य सिद्धांत है। थैंक यू।